हे एवरीवन, वेलकम टू अवर वीडियो अगेन। और बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि अगर आपको अपने आईफोन में कस्टम रिंगटोन लगानी है तो वो आप कैसे लगा पाओगे। बिकॉज बात करें एप्पल इकोसिस्टम की तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़खानी करना। मतलब एप्पल अलाउ नहीं करता है ना आपको ना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। और मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि जितने भी एप्लीकेशन आपके ऐप स्टोर पे हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई रिंगटोन मेकर हैं और रिंगटोन बना देंगे, आखिरी में उनका यही तामझाम होगा कि वो आपको लैपटॉप पे लेके ही जाएंगे। वेल, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एप्पल ने एक्सेस नहीं दिया, लेकिन हाँ एप्पल का खुद का एक एप्लीकेशन है जिसको एक्सेस मिला हुआ है, जो है गराज बैंड। तो बेसिकली ये गराज बैंड ही एक इकलौता ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू आप आईफोन के अंदर अपने रिंगटोन्स को डाल सकते हो। कैसे करना है करके दिखाता हूँ। वेल, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है गराज बैंड, ये एप्लीकेशन है जो आपके ऐप स्टोर में अवेलेबल है। वेल, तो गराज बैंड खोलते ही ऐसा आपका इंटरफेस आ जाता है जो उसकी होम स्क्रीन है, और स्ट्रिंग्स, बेस, गिटार और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। हमें सिंपली जाना है रिकॉर्डिंग पे, और रिकॉर्डिंग ऐसे स्क्रॉल करते जाओ आप यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डर आ जाता है। ऑडियो रिकॉर्डर में आपको सिंपली इसको टच करना है। ये एक वे हो गया ऑडियो रिकॉर्डर में जाने को। यहाँ पे देखो रिकॉर्डर का पूरा इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे देखो रेड कलर का रिकॉर्ड बटन आ जाता है, ये प्ले का बटन है, और रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी तो यहाँ पर स्टॉप का बटन आ जाता है, सेटिंग यहाँ जाती है। तो बेसिकली हमें एक ऑडियो को रिकॉर्ड करना है जिसको हम रिंगटोन बनाना चाहते हैं, तो मैं इस पर टच कर लेता हूँ और ये रिकॉर्डिंग का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपको क्लीन ऑप्शन पे रहना है। ये मतलब अलग अलग ऑप्शन है, मॉन्स्टर, रोबोट एंड ऑल। आपको सिंपली क्लीन पे रहना है जो माइक बना हुआ है, बिकॉज आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, आपको म्यूजिक के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। ये बटन बेसिकली यहाँ पे टिकटॉक का अलर्ट देता रहता है, आवाज करता रहता है, तो उसको हटाना है। सिंपली हमको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में इसका नाम है मेट्रोनोम एंड काउंटिंग। यहाँ पे जाके इसको हम नो साउंड कर देते हैं। नो साउंड कर दिया, ओके डन। और दूसरा काम ये करना है आपको कि यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, देखो, बिकॉज जो टाइमर है इसका 8 सेकंड तक का, यहाँ पे 1 2 3 4 7 6 8 यहाँ तक है। प्लस करते हैं यहाँ पे कॉर्नर में, तो यहाँ पे सेक्शन ए आ गया। इसको मैं टच करता हूँ और यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम इंक्रीज करते हैं। ये बेसिकली टाइमर है कि कितनी देर तक आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। लेट्स से मैं 30 के ऊपर रखना, लेट्स से मैं 70 सेकंड का रिकॉर्ड करना चाहता हूँ फॉर अप्रॉक्स सम मिनट। और यूट्यूब पे गाना सेट करके रखा हुआ है मैंने, बस सिंपली इसको प्ले करूंगा। ये गाना हो गया प्ले, और उसके बाद मैं रिकॉर्ड का बटन दबा दूंगा यहाँ पे। और मेक श्योर कि मतलब ज्यादा नॉइज ना हो, आप एक रूम के अंदर कर लो ये काम, बिकॉज नॉइज आएगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हमने म्यूजिक कर दिया ऑन। वेल, इसको कर लेते हैं स्टॉप। अब बेसिकली जो आपने रिकॉर्ड किया उसको हम प्ले करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये प्ले का बटन है। वेल, ऑडियो काफी क्लियर है, ठीक है। अपनी रिकॉर्डिंग हो गई है, मतलब रिंगटोन के लिए गाना जो है रेडी है। अब सिंपली आपको एक काम करना है, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ जाना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि आपको माई सॉन्ग्स में जाना है या दोबारा से क्लीन पे जाना है। तो हम चलेंगे माई सॉन्ग्स में। माई सॉन्ग्स पे क्लिक कर दिया, ये आपकी ऑडियो फाइल यहाँ पे हो गई सेव। और यहाँ पे देखो आपका ऑडियो माई सॉन्ग करके यहाँ पे आ गया है। अब आपका सारा काम यहाँ पे हो चुका है, आपको सिंपली इस माई सॉन्ग को लॉन्ग प्रेस करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आ जाएगा शेयर। शेयर पर जाते ही ये तीन चीजें पूछेगा, एज अ सॉन्ग, एज अ रिंगटोन, एज अ प्रोजेक्ट। तो आपको भाई रिंगटोन चाहिए, सेलेक्ट योर रिंगटोन। यहाँ पे बोलता है कि आपका 30 सेकंड का ही रिंगटोन होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं, बिकॉज अगर लंबा होगा तो ऑटोमेटिक वो ट्रिम कर लेगा। यहाँ पे पूछता है कहाँ सेव करना है, वो सब आप ऐसे ही रहने दो। सिंपली एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करते ही एक्सपोर्टिंग एज अ रिंगटोन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, एंड यू आर डन। यहाँ पे ये फर्दर ऑप्शन पूछता है कि रिंगटोन एक्सपोर्ट हो चुका है, और अगर आपको रिंगटोन अभी अभी सेट करना है तो यहाँ पे आप यूज साउंड कर दो, स्टैंडर्ड रिंगटोन कर दो, और डन। सेटिंग में मैं जाता हूँ साउंड एंड हैप्टिक्स। वेल, यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखो जो माई सॉन्ग मैंने अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे आ चुका है। वेल फाइन, वेल इसको टेस्ट कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं कॉल मेरे नंबर पे। ये मैंने डायल किया मेरा नंबर। वेल, सो ये सबसे सिंपल तरीका था आपके रिंगटोन को सेट करने का, कुछ नहीं करना था। और आप गराज बैंड में जाओगे, सिंपल ऑप्शन दिखेंगे आपको, ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, वहाँ पे सिंपल से स्टेप्स है ये करने हैं, एंड यू आर डन। अभी जैसा मैं एक चीज बता दूं आपको कि गराज बैंड में हमने एक म्यूजिक क्रिएट कर लिया है, तो अब मैं अगर गराज बैंड खोलता हूं तो ये अब वैसा इंटरफेस नहीं आएगा, अब ये डायरेक्ट माई सॉन्ग्स पे जाएगा जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तो इन डेट केस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस करते ही आपके सारे मेन्यू ऐसे वापस आ जाएंगे। तो माइक और प्लस में से कोई भी एक सेलेक्ट करना, माइक करोगे तो डायरेक्ट आप रिकॉर्डिंग पे चले जाओगे। यहाँ पर जाके दोबारा जब रिकॉर्ड हो जाएगा माई सॉन्ग पे जाना है, और ये आपके दोबारा माई सॉन्ग आ गए।
वेल, ये था एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, अगर आपके पास दूसरा फोन नहीं है जिससे आप प्ले करके सॉन्ग को रिकॉर्ड करना चाहो, तो विद इन फोन अगर आप चाहते हो कि इसी फोन पर सारा काम हो जाए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है कि आपके आईफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, राइट? तो सिंपली आपको जाना है आपके यूट्यूब में, और ये लेट्स से मैं यूट्यूब में आ गया। यहाँ पे मुझे जो भी सॉन्ग अपने रिंगटोन में चाहिए, लेट्स से मुझे बटरफ्लाई चाहिए, ये मैंने प्ले कर दिया। उसके बाद मुझे अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्डर ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग अगर आपको सेटिंग नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको बता दूंगा सेटिंग कैसे ऑन करते हैं इसको। आपके आईफोन के अंदर इनबिल्ट है ये। यहाँ पे देखो आप रिकॉर्डिंग ऊपर रेड कलर का आ रहा है, इसको स्टॉप कर देते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाता है एज अ वीडियो फाइल। आई शो यू, यहाँ पे आप गैलरी में जाते हो, यहाँ पे सबसे नीचे ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ये देखो आप, जो हमने रिकॉर्ड किया था विद साउंड, फाइन। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक रिंगटोन मेकर एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। वेल, ये एप्लीकेशन क्यों चूज किया मैंने कि ये पैसे वैसे नहीं मांगता आपसे, और बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। यहाँ पे प्लस का आइकन है, प्लस पे जाते ही ये आपसे पूछता है कि भाई आपको जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो कहाँ से निकालनी है, इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो, अपलोड फ्रॉम पीसी, रिंगटोन शेयरिंग और ब्ला ब्ला। ओके, तो इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो सेलेक्ट कर लो आप। यहाँ पे आपकी गैलरी में से सबसे ऊपर आपकी वीडियो आ गई, ये फाइल आ गई हमारी। वेल, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्लिप कर सकते हो, ये ऑप्शन अच्छे हैं कि आपको रिंगटोन बेसिकली कहाँ से कहाँ तक बनानी है। मैं क्लिप कर लेता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ से चाहिए और इतनी चाहिए, डन। सिंपली मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पे मेक पे क्लिक करना है। मेक करते ही यहाँ पे फर्दर ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे आपको जाना है आपकी शेयरिंग मेन्यू में, यहाँ पे गराज बैंड आ जाएगा, गराज बैंड में जाके इसको टच करना है। ऑटोमेटिकली ये सॉन्ग जो है आपके गराज बैंड में यहाँ पे आके कॉपी हो गया है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वेल, सो गराज बैंड में फाइल आ चुकी है, तो अब आपको पता है माय सॉन्ग्स में जाना है दोबारा। ये रही आपकी फाइल, सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, ऊपर जाना है, शेयर करना है और एज अ रिंगटोन यहाँ पे डालना है एंड एक्सपोर्ट कर देना है। और कॉल कर लेते हैं, हियर वी गो। वेल, तो ये था तरीका आपके आईफोन के अंदर किसी भी टाइप का रिंगटोन डालने का, बिल्कुल देसी तरीके से, सिंपलेस्ट वे। इसके अलावा और कोई सिंपल वे नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट कहूँगा मैं। फ्यूचर में कुछ आता है तो आई लेट यू नो, नई वीडियो आ जाएगी, उसके लिए बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।